हो गया। अब देव ऋण क्या होता है? देवता क्रिएट्स दिस वर्ल्ड एंड नेचर, देवताओं ने इस जगत इस प्रकृति का रचना किया है, उन्होंने इस प्रकृति और वर्ल्ड की रचना की है। रचना की है तो तभी तो हम लोग यहाँ पे रह पाए। क्या मंगल ग्रह पे जीवन है? नहीं है। चांद पे? नहीं है। तारों पे? नहीं है। सितारों पे? नहीं है। सन्नी पे? नहीं है। जन्म कहाँ पे है? केवल धरती पर है। जीवन कहाँ पे है? धरती पे है। तो किसी ने तो जीवन की रचना की होगी, वो रचना करने वाले लोग हैं देवता। तो देवताओं ने इस बेहतरीन पृथ्वी की रचना की, रचना की तो हम लोगों को जीवन मिला, जीवन मिला तभी हम लोग जी पा रहे हैं, जी पा रहे हैं तो हम लोगों को इनके प्रति थोड़ा ऋणी होना चाहिए। वी मस्ट हैव इंडेब्टेड टुवर्ड्स देम। नेक्स्ट क्या है? वी आर लिविंग ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर। पहला तो क्या है? ये देवता क्रिएटर्स है, क्रिएटर्स। देन वी आर लिविंग ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर, लिविंग ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर। जो प्रकृति ने चीजें बनाई है उन्हीं पे हमारा जीवन है। हम लोग डे फर्स्ट जिस दिन हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, ओवम एंड स्पर्म का, देन हम लोगों का जाइगोट बनता है, गैस्टूला, ब्लास्टूला, मोरूला, इनके बाद में धीरे धीरे फिटस बनता है, फिटस से नवजात इन्फेंट जन्म लेता है, इन्फेंट से हम लोग किशोर बनते हैं, किशोर के बाद में हम लोग तरुणाई लेते हैं और युवा बन जाते हैं, ठीक है, एडोलेसेंट, देन यंग वंस बनते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो पर्टिकुलर ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंदर हम लोगों ने नेचर प्रोडक्ट्स को ही तो यूज किया खुद को डेवलप होने के अंदर। हमारी मम्मी ने जो खाना खाया वही हमारे को उनके प्लेसेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा हमारे को खाना मिला, खाना मिला तो हमारी ग्रोथ हुई, ग्रोथ हुई तभी तो हम लोग इतने लंबे चौड़े सामने खड़े हैं सबके। तो प्रकृति ने ही तो उन्हें ये चीजें दी। मम्मी ने सांस ली होगी, मम्मी ने पानी पिया होगा, मम्मी ने भोजन किया होगा, मम्मी को शेल्टर मिली हुई होगी, ये सब चीजें दी किसी है उन्होंने, प्रकृति ने दी है। तो उनके प्रति हमें इंडेप्टेड होना चाहिए। हम लोग इतना सा जन्म लेते हैं कि बच्चा हुआ है आपके 2.5 किलो का, कुछ पौंड का ऐसे बोला जाता है, इतनी इसकी हाइट है, फटाफट नाप तोल करके उसका दिखा दिया जाता है कि साहब ये आपका बच्चा है। उसके बाद में वो बच्चा धीरे 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 इतना बड़ा हो गया, फिर होते 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 5 फुट 10 इंच का वो बच्चा हो गया, कोई बच्चा 6.5 फुट का, कोई 6 फुट का, अलग अलग बच्चे हो जाते हैं। ये बच्चे इतने बड़े क्यों हो पाए? क्योंकि हम लोगों ने प्रोटीन खाई। अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, कुर्बानी के नाम पे हम लोग क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। तो प्रोटीन खाया, प्रोटीन खाया तो हमारे को क्या मिली? ताकत मिली। हम लोगों ने अंडे खाए, दाल खाई, पनीर खाया, सेब खाई, तो वर्जस प्रकार के हमारे को मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स ये मिले, और इन लोगों ने हमारा, इन सभी पदार्थों ने हमारा डेवलपमेंट किया। कार्बोहाइड्रेट लिए तो एनर्जी मिली, प्रोटीन लिया तो बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स बने, फैट्स लिए तो प्रोटेक्टिंग चीज़ें बनी, वेजिटेबल्स या फिर विटामिन लिए तो वो हमारे प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स बने। तो हम लोगों का विकास हुआ या नहीं हुआ? ये चीज़ें दी जिसे हमने, प्रकृति ने दी है हमारे को, तो प्रकृति के प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड जरूरी है। इसके अलावा जो हम लोग सांस लेते हैं वो भी प्रकृति से आती है, जो पानी पीते हैं प्रकृति से आती है, भोजन करते हैं प्रकृति से आता है, जो हमें शेल्टर दिया है वो प्रकृति ने दिया है, मौसम दिए प्रकृति ने दिए, ये देवताओं ने ही तो बनाए हैं। इंद्र देवता ने जल बनाया, बारिश बनाई, अग्नि देवता ने अग्नि बनाई, अग्नि बनाई तो खाना पकाया, खाना पकाया तो खाना खाया, खाना अंदर हमारे गया स्टमक के अंदर, वहां पे HCl सिक्रेट हुआ तो वापिस अग्नि देवता जागी, जठराग्नि, उदराग्नि, तो जठराग्नि जागी तो हम लोगों का खाना पचा, तो अग्नि देवता ही तो पचा रहे हैं हमारा खाना। वो वायु देवता, वायु देवता ने हमें वायु दी, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, अवनी हमारी धरती माता, गंगा मैया, हिमालय देवता, समुन्द्र देवता, सभी देवता ही तो है ये। जितने भी देवताओं के रूप थे उन देवताओं ने हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट करने के अंदर, हमें शेल्टर देने में, सिक्योरिटी देने में, स्टेबिलिटी लाने के अंदर, कंटिन्यूटी लाने के अंदर, कन्फर्मिटी लाने के अंदर सहयोग किया। सहयोग करना डायरेक्ट, हमें चीजें भी प्रोवाइड कराई है उन्होंने, चीजें प्रोवाइड कराई है, तो वी आर इंडेप्टेड टू देम, हम लोग उन लोगों के ऋणी हैं, तो ये हमें ऋण चुका के जाने होंगे हर हाल के अंदर। फिर हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बनता है पंचभूतों से। किससे बने हम लोग? पंचभूतों से बने। अब ये पंचभूत क्या होते हैं? महाभूत या पंच
भूत, भूत का मतलब भौतिक, पंच का मतलब पांच। कौन कौन से हैं? अवनी है, अंबर है, जल है, वायु है और अग्नि है। मृदा होती है अवनी, धरती माता ही अवनी है, और अंबर है आकाश, जल है जल, वायु है वायु, अग्नि है अग्नि। इन पंचभूतों से हमारा निर्माण हुआ है। अग्नि का मतलब सूर्य, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इन सभी से हमारा निर्माण हुआ, निर्माण हुआ तो हम लोग यहाँ पे बेहतर जीवन जी पा रहे हैं। तो हम लोग इनके प्रति इंडेप्टेड हैं। इंडेप्टेड है मतलब हम लोगों को इनका ऋण चुकाना पड़ेगा। वी मस्ट हैव ऊ ऋण टुवार्ड्स देम। हर हाल में हमें क्या होना पड़ेगा? ऊ ऋण ही होना पड़ेगा। हम लोग उनके ऋणी हैं। अब हम लोग ऊ ऋण होते हैं तो उसका कुछ एक मार्ग तो चाहिए ना। जब हम लोगों को इतनी सारी चीजें दे दी कि हमें पता लग गया, पहले तो पता ही नहीं होता कि हम लोगों को केवल इतना सा लगा कि हम लोग तो केवल बैंक के ही ऋणी हैं। हम लोग तो वो जो साहूकार जी से पैसा लेके आए थे, जो ब्याज देते हैं उनसे पैसा लेके आए थे, उसके ही ऋणी हैं। हम लोगों ने पिछली बार किताबें खरीदने के लिए पैसा लिया था, उन्हीं के ऋणी हैं। ये भी तो इनके प्रति भी तो ऋणी है, और ये ज्यादा बड़ा ऋण है। पैसा आज है कल नहीं है, चुकाए तो चुकाया, नहीं तो चुकाना होता ही है। पैसा किसी से लिया तो चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमारा नैतिक दायित्व तो होता है। उनको भी धोखा नहीं दे सकते और प्रकृति और देवों को भी धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि धोखा जब दे दिया जाता है तो विश्वास खत्म होता है, और एक बार विश्वास खत्म मतलब सब कुछ खत्म। सारी दुनिया चल रही है विश्वास पे ही। ये विश्वास ही होता है, जिस विश्वास के आधार पे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना। ये विश्वास ही होता है जिस आधार पे लक्ष्मण जी ने राम को चुना, भरत ने राम पे विश्वास किया। कई लोग होते हैं जिनको संख्या पसंद होती है वो दुर्योधन बन जाते हैं, जिनको गुणवत्ता पसंद होती है वो अर्जुन बन जाते हैं, जिनको विश्वास पसंद होता है वो श्री राम बन जाते हैं। तो संख्या पे विश्वास किया दुर्योधन ने तो उन्हें श्री कृष्ण की सेना मिली, और अर्जुन ने श्री कृष्ण पे विश्वास किया तो उन्हें डायरेक्शन मिला, और श्री राम ने विश्वास किया तो उन्हें एक ऐसी टीम मिली जिस टीम के आधार पे उन्होंने दशानन रावण को ही खत्म कर दिया था। तो बेसिकली सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास, उसे हमें कभी भी किसी को खत्म नहीं होने देना चाहिए। ये विश्वास ही है जिसके आधार पे हम लोग पत्थर को भी भगवान मानने लग जाते हैं। और जब व्यक्ति के अंदर अविश्वास होता है तो उसके पास में चाहे 11 अक्षौहिणी सेना हो फिर भी वो युद्ध हार जाता है, सुयोधन से दुर्योधन बन जाता है। उस व्यक्ति को हर कोई पे ही अविश्वास था, भीष्म पितामह पे अविश्वास, दुर्योधन पे अविश्वास, जितने भी सेनापति थे सभी पे अविश्वास था। उसको लगता था ये सभी के सभी अर्जुन की साइड में और मुझे युद्ध हराना चाहते हैं। उसे अपनी माता पे ही विश्वास नहीं था। माता ने उसे कहा कि मैं अपनी आंखें खोलूंगी और दिव्य दृष्टि से तेरा शरीर लोहे का हो जाएगा, वज्र का शरीर हो जाएगा। उसने अपनी माता की बातों पे विश्वास नहीं किया और बहकावे में आकर अपने जंगा पहन के चला गया। वहां से उसका शरीर कमजोर रह गया, नहीं तो अकेला दुर्योधन के अंदर यह हिम्मत थी कि वो सारी की सारी पांडवों की सेना को खत्म कर सकता था, भीम को एक लठ के अंदर मार सकता था, एक गदा के वार से मार सकता था, लेकिन उसने अविश्वास किया। अविश्वास ही हमारे काल का कारण बनता है। अगर हमारे को विश्वास हो जाता है कि हम लोग आईएएस बन सकते हैं, आरएएस बन सकते हैं, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। अगर हमारे को विश्वास है कि पर्टिकुलर ये किताब हमारे को आईएएस बना देगी, आरएएस बना देगी, तो हम बन जाते हैं। अदरवाइज हम लोग 500 किताबों से गुजर जाओ, उन पर विश्वास नहीं होता तो हम लोग कभी नहीं बन पाते बड़ा। इसलिए ज्यादातर बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है, विश्वास ही होना ज्यादा जरूरी है। जो विश्वासी होता है वो विवेकशील होता है, उसकी विजडम जागृत होती है, उसकी मेधा जागृत होती है। बुद्धिमान होता है उसकी बुद्धि जागृत है, उसको फायदा दिखता है सबके अंदर कि मैं कितना फायदा लूं। और जैसे इस टाइप के जो लोग होते हैं जो केवल फायदा लेना जानते हैं उनकी प्रोग्रेस सीमित होती है, और जो विश्वास जानते हैं उनकी प्रोग्रेस अनलिमिटेड प्रोग्रेस होती है, वो एक हाई लेवल पे प्रोग्रेस कर पाते हैं। श्री राम जी ने ऐसी सेना पे विश्वास किया था जिस सेना का कोई अस्तित्व ही नहीं था, जंगलों के अंदर फिरने वाले बंदर। यानी बंदर का मतलब कि वो उछल कूद, कोई डिसिप्लिन नहीं है उनके अंदर, बंदर की परिभाषा में यही आता है। बुद्धि उनकी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, उनकी हैंडलिंग कैपेसिटी नहीं है, वो हथियार कैसे उठाएंगे ढंग से, ये दिक्कतें हैं। साथ के अंदर जानवरों की सेना है, आदिवासियों की सेना है। विश्वास कर लिया, श्री राम ने विश्वास कर लिया तो वो जैसे रावण की सबसे ज्यादा एडवांस सेना थी, उस जमाने की सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री और सबसे एडवांस कंट्री थी श्रीलंका, जो कुबेर ने खुद ने बनाई थी। उस लंका को उन्होंने हरा दिया। केवल आधार क्या था? विश्वास था।
विश्वास खत्म, सब कुछ खत्म। तो कभी भी किसी का न तो विश्वास तोड़ना, न कभी भी विश्वास तुड़वाना। अब तुड़वाने का तो पता रहता नहीं, हम लोग बोलते हैं जी सभी बचते रहो, जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनसे बचते रहना चाहिए। बुरे व्यक्तियों से बचते हम लोग तभी हैं जब हम लोगों का उनका वास्तविक चेहरा हमारे सामने आता है। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं लगता कि किससे बचना है, पर ये हमारा पता लगने लग जाता है जब हमारा विजडम डेवलप हो जाता है, और इन्हीं चीजों को पढ़ने से हमारा विजडम डेवलप होता है। आया समझ में? चलो, और पढ़ना किस लिए है हमारे को? पढ़ना विश्वास के लिए पढ़ना होता है, व्यक्ति को पढ़ना होता है, सफल होना होता है, ताकि हम लोग लोगों को माफ कर सके। क्षमा शोभती उस भोजन को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित सरल हो। तो जो क्षमा है वो वीरों का आभूषण है, तो क्षमाशील होना चाहिए। क्षमाशील बनने के लिए हमें बड़ा बनना होता है। हम लोग जब बहादुर बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, सफल बन जाते हैं, तो लोगों को माफ कर देना चाहिए। सजा के अंदर वो मजा नहीं है जो माफ कर देने के अंदर मजा होता है। किल देम विथ योर सक्सेस एंड बरी देम विथ योर स्माइल। दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई सक्सेस एंड दिस इज माई वे। ये तरीके होते हैं जीवन जीने के, तब हम लोग वास्तव में सफल हो पाते हैं। अदरवाइज क्या है, सफलता है फालतू की चीजें हैं। मैं बदला लूंगा इंतकाम, देखेगी। अब इंतकाम खाएगा किसको? इंतकाम हमें दिखाना है, इंतकाम किसी को ही नहीं दिखाना होता। आपकी सफलता ही क्या है? वास्तव के अंदर इंतकाम हमारी सफलता ही होती है, और माफ कर देना सबसे बड़ी बहादुरी का काम होता है। ठीक है ना? एक लिमिटेड के बाद में फिर अपने को मार देना भी होता है, जैसे कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। होता है? तो ये चीजें सारी हमारे को इन्हीं ज्ञानों से पता लगती है। तो मार्ग, मार्ग देने वाले, तो हमें डायरेक्शन भी तो पता होना चाहिए। जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, नहीं तो पता ही नहीं लगता हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। बिना जीपीएस के हम लोग कहीं के कहीं पे पहुंच सकते हैं, और पुराने जमाने में हमारे जीपीएस हुआ करते थे। पूछते जी भाई साहब WTP का रास्ता तो बताओ देंगे, सीधा जाना, बाएं मुड़ना, दाएं मुड़ना, आगे पूछ लेना। ठीक है ना? यही रहता था बार बार हर व्यक्ति से, सीधा नीचे खड़े, भाई साहब रास्ता जिधर, भाई साहब रास्ता जिधर। तो डायरेक्शन ही तो मांग रहे हैं, और जिस व्यक्ति के जीवन में डायरेक्शन नहीं होता, उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई अचीवमेंट हो ही नहीं सकता। वो जैसे कि बिन जैसे कि घोड़े के बांध देते हैं ना, हम लोग आंखें बंद कर देते हैं, उस आंधे बांधे हुए की सजा चलता है। ठीक है ना? तो वापिस आओ जिस पे, मार्ग पे, कि मार्ग क्या है? देवऋण चुकाने का, देवऋण चुकाने का मार्ग, वेज, हाउ टू इंडेप्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द देवऋण। पहला मार्ग क्या है? बाय यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेस सस्टेनेबली, यानी जो भी प्रकृति के संसाधन है उनका धारणीय उपयोग करना। जल, जंगल और जमीन, इन सभी का हम लोगों के द्वारा धारणीय उपयोग किया जाए। जल का सस्टेनेबल उपयोग करें, जमीन का सस्टेनेबल उपयोग करें, और जंगलों का सस्टेनेबल उपयोग करें, तब हम लोग एक यानी धारणीय उपयोग का मतलब जैसा हमारे को मिला है वैसा हम लोग आगे वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाएंगे, या बेहतर स्थिति में ही आगे वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाएंगे। ये नहीं है कि हम लोग पूरे जंगलों को काट देंगे, नदियों को खत्म कर देंगे, जमीनों को भी खत्म कर देंगे, जैसे सॉयल डिग्रेडेशन कर देंगे, वाटर पोल्यूशन कर दिया जाएगा, और ओवर कटिंग ऑफ द प्लांट्स कर दी जाएगी। ऐसा हम लोगों का द्वारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो वी आर इंडेप्टिंग अवर सेल्फ फ्रॉम द देवऋण। नेक्स्ट है नो पोल्यूशन, से नो टू पोल्यूशन। प्रदूषण को हम लोग मना करेंगे कि प्रदूषण हम लोग किसी प्रकार का नहीं फैलाएंगे। अगर प्रदूषण हम लोग फैला रहे हैं तो गंगा मैया को गंदा कर रहे हैं। हम लोगों के द्वारा वायु प्रदूषण किया जाता है तो वरुण देवता को नाराज किया जा रहा है हमारे द्वारा। हम लोगों के द्वारा प्रदूषण किया जाता है तो धरती माता की जो उर्वरता क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ अर्थ डिग्रेडेड, इसलिए सोयल कंजर्वेशन की जरूरत पड़ जाती है। जैसे अभी सदगुरु ने एक और प्रोग्राम चलाया, लगभग 100 देशों से वो गुजरे, 100 देशों से गुजर के वापिस आए। क्यों? सोयल कंजर्वेशन के लिए। जमीन को बचाने की जरूरत क्यों ना आन पड़ी? क्योंकि हम लोगों ने जमीन को गंदा कर दिया है, दूषित कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है, पोल्यूटेड कर दिया है। तो ये हम लोग अगर सोइल का कंजर्वेशन कर रहे हैं, मतलब वी आर इंडेप्टिंग अवर सेल्फ फ्रॉम देवऋण। यानी गंगा मैया की सफाई कर रहे हैं, नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर भागीदारी निभा रहे हैं, द्रव्यवती नदी में किसी प्रकार का कोई कचरा नहीं डाल रहे हैं, नालियों को गंदा नहीं कर रहे हैं, कचरा नहीं फैला रहे हैं, ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं कर रहे हैं, तो वी आर इंडेप्टिंग अवर सेल्फ फ्रॉम, हम उऋण कर रहे हैं हमारे आप को। ठीक है? नेक्स्ट, बाई चेकिंग ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज।
यानी कि अपने आप को ग्लोबल वार्मिंग से दूर रखना है, क्लाइमेट का जो जलवायु परिवर्तन होता है उसके अंदर हमारी भागीदारी नहीं होनी चाहिए। हम लोग इतना ही उपयोग करें इन चीज़ों का जितना हमारे को ज़रूरी है। जो CFC गैसेज हैं, HFC गैसेज हैं, उनका उपयोग लिमिटेड होना चाहिए, अदरवाइज ये ज़्यादा ओवर यूज रहेगा, पोल्यूशन हम लोग बहुत ज़्यादा कर देंगे तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग का इनडायरेक्टली इफेक्ट हमारे पे आएगा। अभी इनडायरेक्टली आएगा, देन डायरेक्टली इफेक्ट आएगा। ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, तो मौसम की इरेगुलरिटी आएगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, नदियों के अंदर बाढ़ आएगी, सी राइज होगा और हमारे समुद्र के किनारे जो शहर हैं वो डूब जाएंगे। एक दिन बॉम्बे नहीं रहेगा, न्यूयॉर्क नहीं रहेगा, जकार्ता तो राजधानी बदल गया। ये कंडीशन किस कारण से हो रही है? देव ऋण न चुकाने के कारण हो रही है, समझ रहे हो? यानी हम लोग जब ऋणी होते हैं तब हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे दुख आते हैं, तो वो तो होते हैं भौतिक दुख कि बैंक के द्वारा हमारी गाय को उठा के ले चलाना, भैंस बकरी उठा के लेके चले जाना, हमारी जमीन पे कब्जा कर लेना, दुकान पे कब्जा कर लेना। दिस प्रॉपर्टी इज इन द पोजिशन ऑफ HDFC बैंक बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जयपुर, नीचे लिखा हुआ है एक जगह, यानी कि बैंक के द्वारा एक्वायर कर ली गई है, वैसे पनिश किया जाता है। और प्रकृति हमें ऐसे पनिश करती है क्योंकि प्रकृति में वरुण देवता बैठे हैं, वरुण किसी को माफ नहीं करता, सारे कर्मों को देख रहा है रित के अंदर। ठीक है, रित फॉलो नहीं तो आपको गुनाहों की सजा पक्की मिलेगी ही। जैसे कि हम लोग गिरिराज हिमालय तो बोल देते हैं, समुद्र देवता तो बोल देते हैं, तो इनका प्रोटेक्शन भी हमारे द्वारा किया जाना जरूरी होता है बाय डूइंग यजना, यज्ञ द्वारा। अब यज्ञ का ये मतलब नहीं है कि हम लोग होम करने बैठ जाए, होम करना भी एक उचित कर्म होता है, लेकिन कर्तव्य है जी। ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं, जैसे कि हमारे द्वारा एयर पोल्यूशन न किया जाना, एयर प्यूरिफिकेशन, ये क्या है? वायु यज्ञ है, वायु यज्ञ है। वायु यज्ञ हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, ज्यादा पौधे लगा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्व कर लेंगे और रिलीज करेंगे ऑक्सीजन को, तो वायु प्यूरिफाइड हो गई, तो क्या हो गया? ये वायु यज्ञ हो गया। यानी कि हम लोगों के द्वारा ऐसे यंत्र लगाना जो कि जो एयर क्वालिटी को खराब करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स को ज्यादा बढ़ा देते हैं, उसको खत्म करने वाले जो यंत्र हैं वो लगाना, तब हम लोग एयर प्यूरिफिकेशन कर पाएंगे, वो वायु यज्ञ होता है। किसी प्रकार का धुआं न फैलाना, पराली न जलाना, एयर पोल्यूशन न करना, गाड़ियों से अगर धुआं निकल रहा है टाइम टू टाइम हमारे द्वारा पोल्यूशन करवा लेना अपनी बाइक कार गाड़ी का, यानी हम लोग आगे जा रहे हैं पीछे धुआं हमारे पीछे पीछे आ रहा है, तो वो क्या है? एक प्रकार का वायु प्रदूषण, वायु को गंदा कर रहे हैं। अगर हमारे एयर, जैसे कि हम लोगों के द्वारा इलेक्ट्रिकल वाहनों की तरफ बढ़ना, CNG की तरफ बढ़ना, इट इज अ टाइप ऑफ एयर यज्ञ, ये एक प्रकार का वायु यज्ञ है। हम वायु को दूषित तो नहीं कर रहे ना, तभी तो इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ावा दिया जा रहा है मतलब हम लोगों के द्वारा मोरल एक्ट किया जा रहा है। वाटर बॉडीज को साफ करना बाय क्लीनिंग द वाटर बॉडीज, जो भी जल राशियां हैं, गंगा जी को साफ करेंगे, यमुना जी को साफ करेंगे, द्रव्यवती नदी को साफ करेंगे, जल जीवन मिशन चलाएंगे, जल संरक्षण आंदोलन चलाएंगे, वाटर कंजर्वेशन करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे हम लोग, वो एक प्रकार के यज्ञ हैं। गंगा मैया को साफ करना भी यज्ञ है, द्रव्यवती नदी में कचरा न फेंकना और जो कचरा फेंका हुआ उसका सफाई करना, ये भी यज्ञ है। हमारे घर के पास में जो तालाब है उसको गंदा न करना और उसकी सफाई करना एक प्रकार का यज्ञ है। वास्तविक यज्ञ ये है, ये यज्ञ नहीं है कि भाई साहब आपका जोड़ा लेके आओ यज्ञ में बैठना है और 5100 की रसीद कटाओ, वो कर्मकांड है, वो आपके जीवन के लिए जरूरी हो सकता है, वो उचित कर्म है। कर्तव्य क्या है? वास्तविक यज्ञ है इन चीजों को सही रखना, ये यज्ञ होते हैं वास्तविक। जब हम लोगों के द्वारा ये यज्ञ किए जाते हैं, पेड़ पौधे लगाना एक प्रकार का यज्ञ है, उस दौरान हमारे द्वारा वेदिका बनाई जाती है, साइड के अंदर पौधे की बाउंड्री बनाना, उसका प्रोटेक्शन करना एक प्रकार का यज्ञ होता है। हमारे जैसे बहन बेटियों के द्वारा पौधे लगवाए जाते हैं, सेलिब्रिटी से पौधा लगवाया जाता है, खुद पौधा लगाते हैं हम लोग, कोई भी पौधा अपने आप में एक पौधा लगाना ही यज्ञ है। तो अगर हम लोगों के द्वारा इस सावन के अंदर 10-10 पौधे लगाए जाएं तो हम लोगों ने कितने यज्ञ कर दिए? 10 यज्ञ कर दिए, और वो 10 पेड़ हमारे को लगभग आने वाले 10 वर्षों तक लाभ देंगे। डायरेक्ट लाभ हमारे को जिससे मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, तो हम लोगों को जो ऑक्सीजन दे रहा है उसके प्रति तो हमारा ग्रेटिट्यूड है ही नहीं, उस पेड़ के प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड नहीं है, और जिस ऑक्सीजन सिलेंडर को हम लोग लेके आ रहे हैं
उसके प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड है, उसको हम लोग वहां पे पैसे दे रहे हैं, 1,000 ले लो, 2,000 ले लो, और वहां पे हम लोग चेक और कर रहे हैं ऑक्सीजन लेवल इतना आ गया है, 96 डाउन टू 92 डाउन टू 86 डाउन टू 68 डाउन टू 56, आई एम सॉरी योर रिलेटिव इज नो मोर, रेस्ट इन पीस कर दिया जाता है। क्यों जाते हैं ये रेस्ट इन पीस? ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो जब हमारे को डायरेक्ट ऑक्सीजन दे रहे हैं पेड़ पौधे, तो इनको लगाना भी एक प्रकार का क्या है, कर्तव्य है, यज्ञ है ये। तो इसी दिस इज अ क्लाइमेट जस्टिस, ये एक प्रकार का जलवायु न्याय है, इसको हमें फॉलो किया जाना जरूरी होता है। तो जो ऋण हमारे को यानी ऑक्सीजन दी है, अगर मैं किसी सिलेंडर लेके आया ऑक्सीजन का और 1,000 का सिलेंडर था, क्या मुझे वो 1,000 रुपये देने पड़ेंगे? उसको देने ही पड़ेंगे यार, हाल के अंदर सिलेंडर वाला लेके चला जाएगा, नहीं मेरी मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी है वो उठा के लेके चला जाएगा, बाड़ी खोल के ले जाएगा, चेन तोड़ के ले जाएगा, लेकिन लेके जाएगा। क्या पेड़ कभी आता है अपने से तोड़ने? नहीं जी यार, मैंने आपको इतने सारे टैंक्स ऑक्सीजन के दे दिए, लो आपकी जमीन मेरे को दे दो, फिर भी हम लोग उस पेड़ को काट देते हैं एक दिन। तो हमारे को इनको बचाना, इनका नया प्लांटेशन करना ही एक प्रकार का यज्ञ होता है। नेक्स्ट लिखो, बाय फॉलोइंग रित, रित का अनुसरण करके भी हम लोग क्या किया कर सकते हैं, देव ऋण चुका सकते हैं। तो ये देव ऋण चुकाने के मार्ग थे, क्या क्या मार्ग हैं बताओ एक बार। बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेनेबली, नो पोल्यूशन, बाय चेकिंग ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज, बाय डूइंग यज्ञ, बाय फॉलोइंग रित, यानी हमारे द्वारा रित का अनुसरण करके, यज्ञ करके, क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग भागीदारी न निभा के, पोल्यूशन न करके, सस्टेनेबल या धारणीय उपयोग करके हम लोगों के द्वारा ऋण चुकाया जा सकता है। ये ऋण कौन सा है? देव ऋण। देव ऋण हो गए, देव ऋण के में दो पार्ट और आते हैं, वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। फिर आता है कौन सा ऋण? पितृ ऋण। कौन सा? पितृ। पितृ का